आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। एक बात मैं ये बोल दूं कि बुलंद इकबाल साहब जब थे वो इस वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर थे। बम्बई में एक इमारत देख के वो बोले कि यार अपने यहाँ नदी के इस पार भी खूबसूरत इमारतें और ऐसी इमारतें और मजबूत काम होना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन बने 20 साल हो गया। मालेगांव शहर को हमेशा ये शिकायत रही कि कारपोरेशन नदी के इस पार कोई अच्छा और मजबूत काम नहीं करती, और शिकायत भी बराबर है, कोई गलत शिकायत है लोगों की, ऐसा हम भी नहीं मानते। उसमें हमसे भी अगर चूक होती होंगी या हमसे भी गलतियां होती होंगी तो वो भी हम मानते हैं, मगर जो लोग इख्तदार पर हैं ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। हम अपोजिशन में रहकर हमको कितना फंड मिलता है ये सारा शहर जानता है। मैं अगर ये बोलूं कि मुझे एक साल हुआ कारपोरेटर बनने के बाद, जनवरी में जो मुझे बजट मिला वो बजट भी मेरा लैप्स हो गया, क्योंकि जनवरी में मिला वो प्रोसीजर करते करते मार्च आया, और कोविड की वजह से मार्च से एंड तक जो प्रोसीजर चलता है वो 20 मार्च के पास ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो लैप्स हो गया। मुझे अभी बजट मिला, जो बजट अप्रैल में मिलना चाहिए था वो बजट सारे लोगों को सितंबर में मिला, और मुझे भी वही बजट सितंबर में 10 लाख का मिला, और कुछ बजट की बातचीत में कमिश्नर और दूसरे जो आला अधिकारी है उनसे किया कि काम काज में कुछ कर सकूं। जो लोग करोड़ों रुपया अपने वार्ड में खर्च करते हैं वो शहर में क्या तामीर करते हैं ये सारे शहर के सामने है। इस इमारत को बनाने के पीछे दो मकसद थे, मुल्क के जो हालात हैं फिरका परस्ती के जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में आईन और संविधान की हिफाजत करना ये सेकुलर आवाम पर फर्ज हो गया है कि इस मुल्क के आईन को अब हमें ही संभालना है। यही सबसे पहले दिमाग में बात आई, और जो आईन लिखा गया उर्दू मराठी और इंग्लिश में, ये भी सिर्फ मालेगांव तक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तारीख है कि पार्लियामेंट में ग्रेनाइट बोर्ड पे साढ़े छह के मामलात ना हो, सभी सियासी पार्टियां सभी तंजीमें वो नदी के उस पार की हो या नदी के इस पार की हो। एक भाईचारे से आज मरतबा अब वो वक्त आ गया है, 100 साल होने वाले हैं, अब उनके नाम लिखा देना चाहिए। इस इमारत को बनाने के लिए इसकी खूबसूरती और मजबूती अगर आप देखेंगे तो ये भी देखने के लायक है। उसके लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की, क्योंकि वक्त भी बहुत कम था। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लोटस कंसल्टिंग जो इंजीनियर थे साजिद फैजी शोएब अंसारी, इन्होंने अंथक मेहनत की और एक खूबसूरत इमारत बनाई। उसके बाद शिमला गिलास वाले जो हैं वो जो बोर्ड बनाए, अभी तक इतना बड़ा और इतनी गहराई से और इतना खूबसूरत बोर्ड वो नहीं बनाए थे, वो खुद 1.5 महीने से इसकी मेहनत कर रहे हैं। शिमला गिलासेस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अशोक स्तंभ मिली भंट सटाना में बना वो भी 1 से 1.5 महीने से वो काम कर रहा था, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये काम करने में जो लोगों ने मेरी मदद की, क्योंकि ये काम को मंजूर कराना भी बड़ा मसला था, कारपोरेशन का ऐसा हाल है कि करते सब हैं मगर खुद मुख्तार हैं, उसके बाद भी पता नहीं किससे डरते। उन मेरी यही बात नहीं समझ में आती कि हर चीज कानूनी तौर पे उनके हाथ में है, उसके बाद भी वो लोग किससे डरते हैं ये मेरी भी नहीं समझ में आता।
उसमें एजाज बेग साहब यहाँ बैठे हैं, ट्रैफिक का एनओसी का मामला हो उन्होंने मदद किया, इमरान बाकी जो है वो मुसलसल इसमें मदद करते रहे, आमिन अंसारी वो मदद करते रहे, हमारे महागठबंधन के सभी कारपोरेटरों ने इसमें मदद की। और ये इमारत जब वर्क ऑर्डर और सब हो गया तो उसके बाद वो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, सब मंजूरी देने के बाद वो परेशान हो गए, तो मैंने उनको बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे भी ये हौसला था कि ये मैं मेरे वार्ड नंबर 12 में बना रहा हूँ और इस्लाम पूरे हिस्से में है, और अगर यहाँ पर कल मुझे जब बोला गया कि यार इसमें गुरु विभाग का परमिशन लेना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो मैं बोला वर्क ऑर्डर देने से ये सारी वर्क ऑर्डर देने से पहले ये सब बातें होना चाहिए थी, सारी मंजूरी हो गई तो कोई रोक भी नहीं पाया। मगर मुझे ये भी पता था कि अगर कोई रोकने आएगा तो ये इस्लाम पूरे के नौजवान जो है ये इस हिस्से में ये इमारत बन रही, और इस्लाम पूरे के नौजवान कितने बहादुर हैं ये सारा शहर जानता है। मैं आगे इस वार्ड में मेरा दूसरा एक काम मंजूर है, 14 नंबर के बाजू में जो रोड है वो 16 फीट की रोड खोलना, बुनियादी काम करना ही हमारा मकसद है कि वो रोड खुले ताकि आगे जो बस स्टैंड के पास ट्रैफिक का मसला है वो खत्म हो, वो काम भी मंजूर है, इंशाल्लाह फरवरी में मैं वो काम भी शुरू कर दूंगा। बस स्टैंड के पास जो पांच पुली बनी हुई है जिसपे लिखा है खिदमत बेहतरीन अमल है, उस इमारत का भी सुशोभीकरण करने वाले हैं ताकि वो भी अच्छा काम हो। अंसार रोड बनाने के लिए मजबूत सीमेंट और स्टील के उसमें एक मजबूत रोड बने उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और बुलंद इकबाल साहब ने जो वार्ड नंबर 12 में वादा किया था शादी हॉल का, उसमें जगह की तकलीफ आ रही है, मगर उसके बाद भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करके मैं वहां काम कर सकूं। यहां पर एक पोल लगाया गया है झंडे की सलामी के लिए, जानबूझ के वो पोल लगाया क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर झंडे की सलामी भी नहीं देने पर एतराज करते थे, इसलिए वो पोल लगाया गया। और मैं ये पोल भी वार्ड नंबर 12 के नौजवानों को ही समर्पित कर देना चाहता हूँ कि हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को वो झंडे की सलामी यहाँ दे, और ताकि एक अवामी जगह जहाँ ऐसा है कि स्कूल और सरकारी दफातर में झंडे की सलामी होती है, एक ऐसी जगह झंडे की सलामी हो ताकि वहाँ हर इंसान आ सके। मगर अभी जो है कोविड की वजह से कई रूल रेगुलेशन है, इसलिए इस 26 जनवरी को हम यहाँ बहुत गर्दी नहीं करना चाहते। मुफ्ती साहब शानहीन और कुछ जिम्मेदार एक सफाई कामगार और कोविड योद्धा ऐसे कुछ लोग आकर हम झंडे की सलामी यहाँ 26 जनवरी को 10:15 देंगे। और इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। के प्रोग्राम के सदर मोहतरम एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लीडर ऑफ ऑप्शन शानहीन निहाल अहमद, जो आज की इमारत जिसका इफ्तिताह करीम होने वाला है उसके रूह रवां जनाब मुस्तकीम डिगना के साहब, आज मैं देख रही थी अक्सर निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, और ऐसा ही माहौल इस शहर की पुलिस ने बनाया। जिस तरह की इजाजत मैं यहाँ स्कस लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम में आई थी, मेरी पार्टी का एक वर्कर सलीम बाबर साहब मेरी रिक्शा के पीछे दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि मंडप बांधने नहीं दिया गया। मैं बोली कि ठीक है, बगैर मंडप के करो, हमने तो जिंदगी भर यही किया है। बड़ा जो जुल्म तो हम लोग यकीन बन जाएंगे, बड़ा जो जुल्म तो हम लोग यकीन बन जाएंगे, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। पुलिस जिस तरह का सुलूक मारेगा और शहर में जनता दल सेकुलर को दबाने का कर रही है, वो याद रखे मैं पैगाम दे रही हूँ, चैलेंज दे रही हूँ। निहाल अहमद साहब कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे, जलसों में कहा करते थे कि जो पुलिस से डरता है पुलिस ताकतवर बन जाती है, जब कोई पुलिस से डरता है तो पुलिस ताकतवर
करती है। और जब कोई अवामी नुमाइंदा बन के अवाम के हित के लिए जज्बा अखलास से अवाम के मफाद के लिए जब बढ़ता है आगे तो पुलिस उससे डरती। हमारी कमजोरी, हमारा खौफ, ये पुलिस की ताकत है, इसको जिंदगी भर याद रखना। न्याज साहब ने जो लिखा था, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, उसके पीछे एक कहानी है, याद रखना। इस शहर में फिरका परस्तों ने जब झंडे लगाए भगवे तो उसके जवाब में हरे झंडे इसी रोड पे लगे थे। वो एक तारीख थी और उस तारीख का मकसद था कि हम किसी से डरते नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी है जिसके लिए बहुत सारा मैं तो आर्टिकल लिखती हूँ, तो अपनी सारी बातें आवामी आवाज के आर्टिकल में अदारी में लिख देती हूँ, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। 10 बजे खत्म होने वाला, मुफ्ती साहब अभी बोलेंगे। मैं दुआ करती हूँ वो जिन के दिन में अजान जमा मचलते हैं वो लोग नोक में तलवार की भी चलते हैं। हजार आंधियां उठे, हजार तूफान हो, खुदा